सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं देहरादून की इस द्रोण नगरी में। अभी आपने हमारी विभागीय मंत्री, आप सबकी पैरोकार श्रीमती रेखा आर्य का ओजपूर्ण भाषण सुना। उन्होंने हमारे द्वारा जो हमारी सरकार काम कर रही है और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया और हमारे द्वारा प्रारंभ की गई घोषणाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरा प्रयास है कि हमारी सरकार के प्रयास और संकल्प के बारे में बताया, पर मैं यहां अपनी बात कहने नहीं बल्कि आपकी बात करने आया हूं। अभी आपको रेखा जी ने बताया कि जब हम, आप सब लोगों ने आंदोलन भी किया, आप सब लोगों ने अपनी मांग भी रखी, लेकिन हमने कहा जब भी आप लोग मेरे पास भी आए, आप रेखा जी के पास भी गए और रेखा जी बार बार आपकी बात करती थी। मैं सच बताऊं तो ये मंत्री कम और आपकी वकील ज्यादा बनकर काम करती है, तो बार बार एक दिन तो मैंने, कुछ बहनों ने मुझे वहां मेरा घेराव कर दिया था और कहने लगी कब करोगे आप। मैंने कहा ये मांग कितनी पुरानी है आपकी, तो बोले मांग तो बहुत पुरानी है हमारी, तो उस समय तक बने हुए मुझे 2 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपकी इतनी पुरानी मांग है, हम पूरा करेंगे लेकिन थोड़ा समझने दीजिए, थोड़ा सा वित्त की व्यवस्था करने दीजिए, क्योंकि मैं सरकार में मुख्यमंत्री मुख्य सेवक हूं, उसके साथ साथ मैं सरकार का वित्त मंत्री भी हूं। अभी घोषणा करना बड़ा आसान होता है, कोई भी घोषणा कर दो। आपने देखा होगा वो पहले वाली जो सरकार थी 2017 तक जो चलती थी, उस सरकार में हजारों घोषणाएं हुई हैं। कितनी, और किसी के शासनादेश नहीं निकले, सैकड़ों के भी नहीं निकले। तो इसलिए लोगों का इन घोषणाओं से विश्वास उठ गया था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वित्त मंत्री होता है, अब जैसे मैं हूं इस समय मुख्यमंत्री के साथ, ये वित्त मंत्री का भी दायित्व तो मेरे पास है, तो इसमें जैसे एक केक होता है ना, आप लोग केक जानते हैं सब, आजकल तो सभी केक काटते हैं, बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, कोई अच्छा कोई शुभ दिन होता है तो उस दिन सब लोग करते हैं आजकल। तो ऐसे ही क्या, इधर कौन बच्चे चिल्ला रहे क्या, क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या? तो जैसे केक है तो केक उतना ही रहता है वो, क्यों सिमोल जी कहां गए हमारे सचिव साहब, ऐसे ही होता है ना, तो केक उतना ही रहेगा। अब केक में से काटना है, अब किसको थोड़ा ज्यादा देना है, किसको कम देना है, केक नहीं बढ़ेगा। और सरकार के पास देखिए, आप लोग आंदोलन कर जरूर रहे थे, आप लोग अपनी मांग जरूर कर रहे थे और आपको करना भी चाहिए था, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है, सरकार की भी अपनी परेशानी होती है। और जब ऊपर से कोरोना आ गया हो, कोरोना महामारी में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे प्रभावित न हुआ हो, सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए, सरकार भी प्रभावित हो गई। जितनी आय सरकार को राजस्व से प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, क्योंकि सारे उद्योग धंधे, सारे टैक्स कम हो गए, सब बंद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप सब लोग कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से,
मैंने देखा है, मैं नजदीक से जानता हूं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें कितने मुश्किल हालातों में काम करती हैं। तो हमने तय किया, चाहे सरकार परेशानी में, लेकिन सरकार आप सबके साझेदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी, और हमने आपका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। और ये रेखा जी जरूर आपके विभाग की मंत्री हैं और आपकी पैरोकार भी हैं, लेकिन साथ साथ में मेरा भी बड़ा लगाव आपसे, वो इसलिए है कि मैं, मेरे दोनों बच्चे, वो दोनों के दोनों की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दोनों की आंगनबाड़ी में हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, सबको निश्चित रूप से और सशक्त होना चाहिए। अभी जितना समय मुझे मिला, जो टाइम मिला, जितना हमने अभी समझा, सरकार में काम किया, कुछ जोड़ा घटाया, गणित लगाई, सरकार का बजट भी देखा, चूंकि सरकार भी चलानी है, बहुत सारे काम करने हैं, अन्य विभाग भी चलाने हैं, उसके बावजूद हमने कोशिश करी कि इसमें आप लोगों के लिए अच्छा करें, जबकि वित्त विभाग से परामर्श बहुत कम आया था। उमेश भाई, वित्त विभाग कह रहा था 500 रुपए बढ़ाओ, क्यों? हमने कहा हम जैसे केक है ना, वो केक जो है आपकी तरफ को थोड़ा ज्यादा काट देते हैं और तरफ थोड़ा सामंजस्य से बैठा लेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने कोशिश करी है कि जैसा अभी रेखा जी कह रही थी, सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है, आपके साथ साथ हमने आशा बहनों को भी देने की कोशिश करी। आपके साथ साथ हमने उपनल के जो कर्मचारी हैं, उपनल के कर्मचारियों को भी हमने प्रयास किया, उनको भी दिया, जिनके 10 साल तक की नौकरी हुई है उनको 2000 रुपया हो गई है, उनको 3000 रुपये देने। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी गोल्डन कार्ड को लेकर आंदोलित थे, हमने उनके गोल्डन कार्ड की समस्या को भी हल किया है। ये राज्य हमारा मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है, मैं आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ज्यादा इस राज्य को जनने का काम किसी ने किया है तो हमारी सभी माताओं बहनों ने किया है। तो हमने ये कोशिश करी है कि जो हमारे आंदोलनकारी भाई है, हमारी बहनें हैं, उन सभी का भी जो है, जो पेंशन है उनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए। 3100 जिनकी पेंशन मिलती थी, हमने उनका 4500 रुपया पेंशन किया है। जिनको 5100 मिलती थी उनको हमने 6000 रुपये पेंशन किया है। साथ में अभी चूंकि चिन्हीकरण की प्रक्रिया बंद हो गई थी बीच में, अभी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे आंदोलनकारियों भाइयों के द्वारा ये बताया गया था, और चूंकि मैं खटीमा से विधायक हूं, उस क्षेत्र में आंदोलन सबसे पहले कहीं, उत्तराखंड का आंदोलन कहीं हुआ, सबसे पहले गोलीकांड कहीं हुआ, 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुआ था, इसलिए मैं अच्छी तरह से उनकी भावनाओं को जानता हूं। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से उनके चिन्हीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें और समय मिलना चाहिए। तो 31 दिसंबर तक हमने अभी चिन्हीकरण की प्रक्रिया की है, सभी जिलाधिकारियों के पास आवेदन जमा हो गए। हम उस चिन्हीकरण की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी उसको भी जो है पूरा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले, उन सभी का हमने अभी मानदेय बढ़ाया है, सभी को मानदेय की परिधि में लाया है, क्योंकि वो भी हमारे सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। हम अभी, हमारे मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति अभी हमने, कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी, हमने पास कर दिए। आप सबके बच्चे, हमारे बीच के बच्चे जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, लेकिन क्या है, उनके माता पिता के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी खेलों को हर प्रकार से बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम नई खेल नीति लाए हैं।
आपने देखा होगा जो बच्चे खेलने जाते हैं तो किसी के पास किराया नहीं होता है, किसी के पास रुकने के लिए कोई कमरा नहीं होता है, खाने के लिए जो उनको अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। उन सभी को हमने नई खेल नीति में हमने शामिल किया है। जब खेलने बच्चे जाते हैं तो उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो पदक जीतकर आते हैं तो उनको इनाम देने वालों की भीड़ लग जाती है। बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, जगह जगह से पुरस्कार मिलते हैं, राज्य सरकार से भी मिलते हैं, अन्य सरकारों से भी मिलते हैं, लेकिन जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अब ऐसे बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो जब क्राइटेरिया में आएंगे सरकार उसके लिए नई खेल नीति में हमने सब व्यवस्था कर दी है। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां कहा जाता है कि राष्ट्राय स्वनारी अस्ति, यानी कि हमारी महिलाएं ही हमारा कल है। तो भरत भाई आप तो चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे संस्कृति के वो हैं, इनका मैंने एक बार विधानसभा में सुना था, बड़ा अच्छा। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसी समाज या किसी राज्य की रीढ़ उसकी सशक्त महिलाएं ही। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो आप निश्चित मानिए कि वो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं आज बड़ा मन मेरा बड़ा आज बड़ा भावुक हो रहा हूं मैं आप सबको देख के। मैं सच बताऊं तो आज पहली बार मुझे लग रहा है कि वास्तव में हमने काम तो बहुत अच्छे कर दिए हैं, और ऐसे ऐसे फैसले हमने 500 से भी ज्यादा ले लिए हैं। मैं आपको बताऊं, और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी हम कर पाएंगे आगे भी, अभी इतना किया है आगे भी करेंगे। और मैं जहां जा रहा हूं उमेश भाई, मैं सही बताऊं तो मेरी आंगनबाड़ी की बहनें सब जगह मंच पर आ जाती हैं अभी तक, और उनका नीचे से पर्चा आता है, मेरे को सुरक्षा वाले बताते हैं कि आंगनबाड़ी वाली आई है सब बहनें, क्या उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना। मैं कहता हूं उनको सबसे पहले बुलाओ। और पिछले 1.5 महीने में मैं जहां जहां भी गया हूं, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है जगह जगह पर आभार प्रकट करती हैं। मैं आज इस मंच से यह भी कहना चाहता हूं कि आपका मानदेय बढ़ाकर हमने कोई आप पर उपकार नहीं किया है, बल्कि आप सभी का हम पर ऋण है। इस ऋण को हमने चुकाने का एक प्रयास किया है। जिस हालात में आप काम करती हैं, जिस आत्मभाव समर्पण से आप सब जनसेवा का कार्य कर रही हैं, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम निरंतर लगे हैं कि हमारे प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाया जाए। इस प्रक्रिया में हमने मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना समेत कई दूसरी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया।